हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंडियन यूनिवर्सिटीज़। आसाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लें और सभी प्रोसेसर जो होते हैं, नेम से लेकर के फिल करने का प्रोसेसर कैसे कंप्लीट करें, अप्लीकेशन फॉर्म में कैसे फिल करना होता है, क्या चीज़ें होती है, जिन बच्चों को भी परेशानी, डाउट्स, प्रॉब्लम आती है फिल करने में, सभी चीज़ें आप देख पाएंगे। इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं सारे प्रोसेस के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने ब्राउज़र से। google.com ओपन करनी होगी। सबसे पहले google.com ओपन करनी होगी। वहाँ पर टाइप करनी होगी आसाम यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 IAS पर टाइप करके सर्च कर देनी होगी। एंड देन आप देखेंगे कि आपको क्या दिखा देगा आसाम यूनिवर्सिटी। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, IAS पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन होंगे, जहाँ पर आपको दिखाई दिया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है। कभी से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ है, बट यहाँ पर आपको नीचे आना और यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दिया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है कभी का। आप यहाँ पर क्लिक ईयर पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़े पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए। सबसे पहले तो ये फॉर्म आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, वो फॉर्म फिलअप करें। अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, सब डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, जिससे ये होगा कि आपको आसाम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन जो होती हैं, सबसे पहले मिलेगा आपको। सो यहाँ पर इसे मैं कट करता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 6 अप्रैल 2022। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, क्लिक हियर। अब जब ये करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होता है, फिर से स्क्रॉल डाउन करनी होती है और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करना है, फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है। अब जब ये करते हैं तो आप न्यू टैब में ओपन होंगे, जहाँ पर आप डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन होते हैं, जिस वजह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसे आपको डाउनलोड करना होगा, ताकि आपको जो भी इंस्ट्रक्शन से केयरफुली फील कर सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, जो भी परेशानी वगैरह फील करने में दिक्कतें आएंगी, वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि क्या परेशानी आ सकती थी, तो किस परेशानी में है या फिर क्या है वो चीज़ें जो समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पर आपको बताया जाता है। फिर यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फीस पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं एग्जामिनेशन टाइमिंग वगैरह, कितना पे करना होता है, सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे बहुत लंबा है प्रोसेस, कैसे क्या करना होता है एक एक प्रोसेस के लिए यहाँ पर बताया जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप डाउनलोड करके लास्ट में एक बार जब भी आप फिल करते समय देखेंगे। वैसे भी मैंने यहाँ पर मतलब वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल्स बताया, आपको समझ तो आ ही जाएगा। तो नीचे आना है और यहाँ पर बताना है कि मैंने डाउनलोड कर लिया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, और क्लिक हियर पे बोल देना है कि मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में फील ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है, थर्ड स्टेप है एग्जामिनेशन फीस पे। अप्लीकेशन फॉर्म का क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम बताना होता है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर गार्जियन नेम, तो क्या है यहाँ पर नेम पूरा लिखते जाना, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन का नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताने है, मंथ बताने है, ईयर बताने है, सब कुछ यहाँ पर बताना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे जेंडर की तरफ, नेशनलिटी में आपको अपना इंडियन सेलेक्ट करना है, आइडेंटिटी टाइप आपका क्या है, पैन कार्ड आपके पास, जो भी आपके पास होगा, पहचान पत्र, स्कूल आईडी कार्ड है ना, वो भी चलेगा यहाँ पर, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, रेशन कार्ड विथ फोटोग्राफ होना चाहिए, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ यहाँ पर, जो भी आपके पास वो सब चल जाएगा यहाँ पर, बस उसका नंबर दे देना, आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस होता है, जहाँ पर फिर मैसेज नंबर बतानी होती है। एड्रेस में सिंपली आपको लोकल एरिया, कंट्री, स्टेट, अगर आप इंडिया है तो आप स्टेट, सिटी सब यहाँ पर बताना होता है। अगर आप कोई और देश से हैं तो बस कंट्री का नाम बताएंगे, इसमें स्टेट वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर स्टेट बतानी होती है, डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, फिर पिन कोड नंबर देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होगा, कंफर्म करना होगा, फिर मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना है, एंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर। आगे चलते हैं परमानेंट एड्रेस की तरफ, जहाँ पर एड्रेस आपने जो भी दूसरा एड्रेस आपके पास जो भी होगा परमानेंटली वो दे सकते हैं, नई एड्रेस तो यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस कॉपी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप कॉपी हो जाएगा। बस स्क्रॉल डाउन करते हैं, चूज़ पासवर्ड, पासवर्ड चूज़ करना होगा, मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर्स पासवर्ड होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ 8 to 13 कैरेक्टर, ओके। तो यहाँ पर अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो आपका
स्पेशल कैरेक्टर, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए, वन अपर केस कैरेक्टर, वन लोअर केस कैरेक्टर, वन न्यूमेरिकल वैल्यू कैरेक्टर, एग्जाम्पल टेस्ट एट द रेट 123। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टी कैपिटल है, ई एस टी स्मॉल में है, एट द रेट स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल वैल्यू 123। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं पासवर्ड। और आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन की तरफ। जो भी आप इसका आंसर देना चाहते हैं, आपका फेवरेट हुक बता सकते हैं आंसर में, जो भी है। सिक्योरिटी पिन में आपको यहाँ पर एंटर सिक्योरिटी पिन देना होता है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है एच ई जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर टाइप करा और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं कहाँ पर आऊँगा, सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप आपका फिलिंग अप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये आप आएंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके चेक कीजिएगा। आपको यहाँ पर सजेशन में आ गया रहेगा हरचन बीजू, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेकेंड स्टेप के लिए आप उसमें वीडियो बनी हुई आप देख पाएंगे अच्छे से। फिर एग्जामिनेशन फीस भी कैसे क्या करना होता है उसके लिए भी आपको बताया गया। तो डाउट है अगर तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, क्लिक करके चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।